हेलो एवरीवन, आगरा यूनिवर्सिटी को लेकर के आप लोग सब अच्छी तरीके से जानते हो कि बीएड का रिजल्ट तो दे दिया गया है कि लेकिन उस रिजल्ट में बहुत सारी चीजें जो है मिल रही है, जिसमें बच्चे जो है असंतुष्ट है, बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है, उसको लेकर के एक अपडेट आ रहा है। जैसे आप लोग जो है डेली बेसिस पर हमसे ये पूछ रहे हो कि मैम क्या हुआ, ईपीसी को पेपर को लेकर के क्या डिसाइड किया गया, तो पूरी तरीके से बच्चे पीछे नहीं हटने वाले हैं। इस बार यूनिवर्सिटी को ये बात समझनी होगी, 107 पेपर जिसमें फेल किया गया है बच्चों को एक एक दो दो नंबर से, और वो भी ईपीसी पेपर को लेकर के, तो उसमें यूनिवर्सिटी को कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा। तो आज जो अपडेट आया है उसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें आई हैं और क्या होने वाला है, ताकि आप लोगों को भी एक संतुष्टि मिले, एक सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ कुछ चीजें तो हो रही है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। आप सब जानते हो कि यहाँ पर आप लोगों को आगरा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही दी जाती है। सबसे पहले तो ये न्यूज़पेपर में जो है उसे हम कवर कर ले कि इसमें क्या आया है, और ऐसा नहीं है कि एक न्यूज में, ये मैक्सिमम न्यूज में आ रहा है, और अब यूनिवर्सिटी इसके बारे में सोच रही है, और सिर्फ ये पॉसिबल हो पाया आप लोगों की आवाज उठाने की वजह से। अदरवाइज आप लोग चुप बैठ जाते ना, कुछ नहीं होता। अभी इतना तो है कि आप लोगों के लिए सोचा तो जा रहा है, अभी चलो देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। एक ही विषय में फेल कर दिए अधिकांश विद्यार्थी। अधिकांश में पता है कितना है, जब इसका डेटा, मैं तो 90% एवरेज जितना मेरे पास मैसेज और ये सब जो आ रही थी उसके आधार पे मैं आपको बता रही थी कि 90% बच्चों को फेल किया गया है, लेकिन एग्जैक्टली ये 90% है। इन छात्रों का कहना है कि उनकी कक्षा में 90% छात्र एक या एक से ज्यादा विषयों में फेल है। ये यूनिवर्सिटी ने क्यों इस बार किया, क्या हुआ है आखिर में यूनिवर्सिटी का, क्यों इस तरह से जो है रिजल्ट आ रहा है? और बाय द वे, अगर ऐसा रिजल्ट आ भी रहा है तो जाहिर सी बात है कि पढ़ाने में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, आपके सिलेबस में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर आप इवैल्यूएशन करने में प्रॉब्लम कर रहे हो। इसमें बच्चों की गलती नहीं है, एक या दो बच्चे की गलती हो सकती है, लेकिन 90% बच्चों की गलती तो नहीं हो सकती है। इसमें और भी चीजें देखो, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के बीएड सत्र 2023-24 के सैकड़ों छात्र एक ही विषय में फेल है हो गए हैं। छात्रों का आरोप है कि ओएमआर सीट पर परीक्षा होने के बावजूद मूल्यांकन में गड़बड़ी हुई है। फेल होने वाले अधिकांश छात्रों को विषय भी समान है। छात्रों का कहना है कि कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन कराया जाए तो हकीकत सामने आ जाएगी। परीक्षा नियंत्रक ने छात्रों को समिति बनाकर जांच का आश्वासन दिया है। तो फाइनली ये हुआ है कि एक कमिटी बनाई गई है। आप लोगों को हमने बताया भी था कि इस पर जो है डिस्कशन और मंथन चल रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो एक कमिटी बनाई गई है, वो कमिटी जांच करेगी एंड देन उसके ऊपर जो है फिर आपका डिसाइड होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वीवी से संबंध कॉलेजों से बीएड कर रहे विद्यार्थी परेशान है। आरोप है कि बड़ी संख्या में छात्रों को के साथ जो है गलत हुआ है, और यहाँ पर पैडागोजी और लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम में सैकड़ों की संख्या में छात्र फेल है। 25 सितंबर को परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद से विद्यार्थी वीवी के चक्कर काटने को मजबूर है। बीजपुरी स्थित संस्थान से बीएड कर रहे छात्र रोहितास कुमार का कहना है कि परीक्षा के बाद मैंने अपने उत्तर जांचे थे और उसमें जो मार्क्स मिला है उससे तो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है, और ये पहले भी होता था, जब से ये ओएमआर हुआ है तब से ये चीजें चली आ रही है। बच्चे अपना जो है मार्क्स सब कुछ क्वेश्चन मैच करके सब कुछ जो है कुछ और रखते हैं, और मार्क्स तो दूर दूर तक आता है। अब उसमें जो बच्चा फेल होगा उसे गुस्सा तो आना ही है। तो ये चीजें जो है अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से चल रही हैं। आप लोगों के लिए जो है कमिटी बनाई गई है, उस कमिटी के द्वारा जो है सारी चीजों को अच्छे तरीके से जांचा जाएगा और उसके बाद डिसीजन होगा। फिर वही बात हो जाती है, आर्ट एंड एस्थेटिक में फेल जो दर्शाया गया है ये ईपीसी पेपर है, इसको लेकर के यूनिवर्सिटी एक मंथन कर रही है कि आखिर में इसमें किस तरह से डिसीजन लिया जाए। देख लो, समिति को जांच सौंपी जाएगी, जो भी निर्णय लिया जाएगा छात्र के हित को ध्यान में रख कर लिया जाएगा, स्टूडेंट्स को देख करके, स्टूडेंट्स के बारे में सोच करके ही डिसीजन लिया जाएगा। अभी कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से, ये भी बता दूं, लेकिन अंदरूनी तौर पे ये भी आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, कमिटी बनाई गई है और डिसीजन बहुत जल्द इसमें लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि आप लोगों के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसके बारे में आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि अगर आप दो पेपर में फेल हो, एक बात सुनना, ये रूल भी आप लोगों के लिए भी जानना जरूरी है। अगर आप जो है दो पेपर में फेल है तो आप जो है दो री दे सकते हैं। दो पेपर में जो फेल बच्चे हैं वो री की तैयारी, सेकेंड ईयर की तैयारी
और री की तैयारी में लग जाइए। री का जो फॉर्म फिलअप है आप लोगों का, जनवरी से फरवरी के बीच में नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप होता है, और एग्जामिनेशन फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो दोनों का कंबाइंड लिया जाता है आगरा में, तो इसका एग्जामिनेशन आपको अप्रैल से मई के बीच में लिया जाता है। तो जैसे जैसे अपडेट आएगी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे, लेकिन अब आपको उसकी तैयारी में लग जाना है। दूसरी चीज है कि जो दो से ज्यादा पेपर में फेल है, तीन पेपर चार पेपर में फेल हो गए हैं, उन लोगों को फिर से अपना फर्स्ट ईयर का या तैयारी जो है करनी होगी, फिर से फर्स्ट ईयर का एग्जाम देना होगा। अब इसमें बच्चे का ये क्वेश्चन आ रहा है कि मैम दो पेपर मेरा मेन पेपर है और एक पेपर जो है ईपीसी है, तो ईपीसी पेपर को लेकर के अभी यूनिवर्सिटी ने कुछ डिसाइड ही नहीं किया है और ईपीसी पेपर में री भी नहीं होता है, तो यूनिवर्सिटी किस बेस पर आप लोग को क्लियर करेगी वो देखना है। तो अगर आपके तीन पेपर ईपीसी को लेकर के हो रहे हैं, बात को समझने की कोशिश करना ठीक है, अगर आपके तीन पेपर ईपीसी पेपर को लेकर के यानी आर्ट एंड एस्थेटिक को लेकर के हो रहा है तो आप जो है फिर री की तैयारी कीजिए। ईपीसी में जैसे डिसीजन आएगा वैसे हम आपको बता देंगे। दो पेपर जो है आप लोगों का जिसमें भी क्रॉस लगा है उसके लिए री की तैयारी कीजिए और सेकेंड ईयर की भी तैयारी साथ साथ में आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन अब जिनका तीन पेपर मेन पेपर में लग गया है, जैसे कि चाइल्डहुड में, कंटेम्प्रेरी में, लर्निंग एंड टीचिंग, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग, पैडागोजी, इनमें से किसी में अगर तीन पेपर है और यही तीन पेपर है तो आपको फिर से फर्स्ट ईयर की तैयारी करनी होगी, फिर से आप लोगों को फर्स्ट ईयर का एग्जाम देना होगा। ये नियम है, कुछ नियम जो है उसको आपको फॉलो तो करना ही होगा। अब हम एक और चीज पर बात कर लेते हैं कि जो आप लोगों का री का पेपर होता है वो अप्रैल में होगा तो किस फॉर्मेट पर होगा। तो देखो ये री का पेपर जैसा एग्जाम मेन एग्जाम गया था उसी के फॉर्मेट पर ही लिया जाता है, ये भी एक रूल है। तो आप लोग का अप्रैल वाला भी जो एग्जाम होगा वो फिर से एमसीक्यू ही होने वाला है, तो आपको तैयारी उसी के अनुसार ही करनी होगी, डिस्क्रिप्टिव एंड प्लस एमसीक्यू करना। री का पेपर वैसे टफ नहीं बनता है लेकिन अभी कुछ नहीं, आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करना यही मेन जो है आप लोग को टारगेट बनाना है ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपनी तैयारी में लग सकते हैं, सेकेंड ईयर की तैयारी में भी लगिए, और एक से दो पेपर में है तो भी आपको सेकेंड ईयर में ही जो है तैयारी करना है यानी कि री के साथ। अब री को लेकर के बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम दो रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बताती हूँ। फर्स्ट ईयर में आपका एक रिजल्ट बनता है, सेकेंड ईयर में एक रिजल्ट बनता है, लेकिन जो मेन फाइनल आपका रिपोर्ट कार्ड बनेगा, फाइनल रिजल्ट जो बनता है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को क्यूमुलेटिव करके बनता है, यानी दोनों को जोड़ करके बनता है, तो वो एक रिपोर्ट रिजल्ट जो है आपका अलग बनता है, उसमें री या फिर किसी भी तरीके की चीजें नहीं लिखी रहती है। और कहीं पे वैकेंसी आई या फिर कुछ भी चीजें आएगी तो आपको वो फाइनल रिजल्ट लगाना होगा जिसमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों का मार्क्स चढ़ा हुआ रहता है। इसीलिए री देने से आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही दो ना ही तीन रिजल्ट ऐसा नहीं बनता है, ये चीज अपने दिमाग से निकाल दो ठीक है। आई होप कि आप लोग के जितने क्वेश्चन और कंफ्यूजन थे अभी आगरा यूनिवर्सिटी को लेकर के अभी क्लियर हो गया होगा। पढ़ने पर भी फोकस करना है आप लोगों को, आप लोगों के लिए डबल जो है चैलेंज है, एक पढ़ाई भी करनी है फिर अपने रिजल्ट के लिए लड़ाई भी करनी है, दोनों चीजें करना है। जैसे जैसे इस पर अपडेट आते जाएगी वैसे वैसे हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। सो इस चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।